divide 20 by 4, so each elephant will get the number 5. ठीक है, so now you will write on your books that each elephant is of number 5. जहां कहीं भी एलिफेंट है उसका नंबर अब आपके पास आ गया है कि वो होगा 5. इस तरह से हमारी ये जो थर्ड वाली कॉलम है दैट इज क्लियर टू अस. अब आप अपनी फर्स्ट वाली रो देखें, यहां पर भी आपके पास दो एलिफेंट्स हैं, इनका नंबर आप ऑलरेडी दे चुके हैं 5 and 5. क्लियर, जब आपने 5 और 5 इनको दे दिया तो ये 10 हो गया, जबकि टोटल 22 है, इट मींस स्टिल 12 इज रिमेनिंग. जब 12 रिमेनिंग है, अभी आपके पास दो जिराफ्स हैं, इट मींस अब ये दोनों जिराफ्स आपके पास 6 और 6 नंबर के होंगे, और जब वो 6 और 6 के होंगे देन यू विल गेट 12. ठीक है, सो 5 elephant 6 giraffe 5 elephant and 6 giraffe, इट विल गिव यू अ टोटल ऑफ 22 इन द फर्स्ट रो. आई होप यू गेट द आइडिया. आई कैन शो यू द आंसर्स लाइक दिस. ठीक है, सारे एलिफेंट्स को आपने 5 नंबर दिया, उसके बाद फर्स्ट रो में यू गेव द नंबर 5 टू द एलिफेंट्स एंड 6 टू द जिराफ्स एंड इट गिव्स यू द टोटल ऑफ 22. ठीक है, अब जहां कहीं भी इस डायग्राम में आपके पास जिराफ्स हैं यू विल गिव द नंबर 6 to 8. लाइक फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में थर्ड नंबर पे, सेकेंड आपके पास कॉलम में भी थर्ड नंबर पे, और फोर्थ कॉलम में भी फर्स्ट नंबर पे यू हैव द जिराफ एंड ईच जिराफ विल गेट द नंबर 6. ठीक है, अब उसके बाद आप अपनी फर्स्ट वाली रो देखें, दिस वन. इसमें एलिफेंट यू हैव असाइंड द नंबर 5 एंड टू जिराफ यू हैव असाइंड द नंबर 6. इट मींस 5 + 6 = 11, बट द टोटल हियर इज 18 एंड टू एनिमल्स आर स्टिल remaining whose numbers we have not assigned yet. The one is tiger, the other one is snake. Snake and tiger as a combined form they should give us a number 7. ताकि 7 के अंदर जब हम 11 previously अपने elephant और giraffe का add करें तो हमारे पास 18 आ जाएगा. Clear? So जब हम 7 को 2 में divide करेंगे we will give the number tiger 4 and to the snake we will give the number 3. अब आपके पास जहां कहीं भी टाइगर आएगा आप उसको 4 नंबर दे देंगे, as I have assigned 4 to the tiger in the whole diagram. Similarly, where there's come a snake, you will give a number 3 to it. Okay? Now only one animal is remaining, that is zebra. ठीक है, जेब्रा आपके पास रिमेनिंग है. आप कोई भी रो ले लें, वी सपोज वी टेक द लास्ट रो, दिस वन. एलिफेंट इज ऑलरेडी 5, द स्नेक इज 3, दिस स्नेक इज ऑल्सो 3, सो 5 + 3 = 8 एंड दिस इज 3 9 10 11, दिस इज 11. नाउ वी शुड गेट अ टोटल ऑफ 18. वन एनिमल इज रिमेनिंग, सो इट मीन्स उसका नंबर 7 होगा. जब हम 11 के अंदर 7 को एड करेंगे हमारे पास 18 आ जाएगा. नाउ यू कैन चेक दिस डायग्राम वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली कि आपको जो नंबर दे दिए गए हैं एनिमल्स को आप इनको टोटल करें तो आपके पास यही टोटल आएंगे जो ऑलरेडी उसने हमें दिए हुए हैं. ठीक है, आप यू कैन चेक इट रो वाइज एज वेल एज यू कैन चेक इट कॉलम वाइज, यू विल गेट द सेम टोटल एज गिवन बाय द ऑथर ऑफ द बुक. ठीक है, अब आपने इन एनिमल्स के नंबर्स को राइट डाउन कर लेना है एंड विद द हेल्प ऑफ दीज नंबर्स नाउ वी विल सॉल्व आवर फर्दर क्वेश्चंस. नाउ सॉल्व दीज नंबर सेंटेंसेस. नाउ सॉल्व दीज नंबर सेंटेंसेस. यू आर गिवन अ जिराफ, अ टाइगर, एन एलिफेंट, अ स्नेक, अ ज़ेब्रा. And here is a sign of addition among all these animals. So you have to add up these animals. So animals ko add karne ka aapke paas kya method hai? You will add those numbers by which we have assigned these animals. Giraffe ko humne number diya tha 6. To tiger we assigned the number 4. To the elephant we assigned the number 5.
to the snake, we assigned the number 3. To zebra, we assigned the number 7. So we will add up all these numbers and we will get 25. So this is the answer. Next, we have 5 times giraffe. When it is written times, it means multiplication. 5 giraffes, it means 5 times hum giraffe se multiply karenge. The value of giraffe is 6. As we find out from the table, to hamare paas kya aajega? 5 into 6, this is equals to 30. Then we have 8 times tiger. The number we assign to tiger is 4. So we will multiply 8 with the 4 and we have 8, 4 times is 32. Then we have 6 times elephant. The number we assign to the elephant is 5. So multiplying 5 with the 6, we have 30. This is how we are going to solve these number sentences. Next we have is 3 times zebra plus 2 times snake. So 3, pehle hum multiply karenge zebra, whose value is 7, plus we have 2 times 3. The value of snake is 3. So 3, 7 times is 21. Plus sign will come as it is. 2, 3 times is 6. 21 plus 6, this is equals to 27. Next we have is 4 times snake, 5 times zebra, 4 times giraffe, and 5 times tiger. Writing all the numbers, 4, the value of snake is 3. Here hum plus ka sign likhenge, 5 likhenge. Zebra ki value we have is 7. Then plus sign, 4 multiplied by this. The value of giraffe is 6 plus 5. The value of tiger is 4. So 4, 3 times is 12 plus 5, 7 times is 35 plus 6, 4 times is 24 plus 5, 4 times is 20. So adding 12 plus 35 plus 24 plus 20, we get a total of 91. Next we have is, did you notice a quick way to find the total? We have a zebra, a snake, and a tiger. Now we have to subtract these values. The value of zebra is 7 minus. The value of snake is 3 minus. The value of tiger is 4. So 7 minus 4 is 4, and 4 minus 4, 0. So you will get a 0 answer. Next we have 2 times giraffe minus zebra. So 2 multiplied by the value of giraffe is 6 minus the value of zebra is 7. 2, 6 times is 12 minus 7. So 12 minus 7, this is equals to 5. Next we have to subtract a zebra and an elephant. The value of zebra is 7 minus the value of elephant is 5. So 7 minus 5, this is equals to 2. Lastly, we have a zebra plus, this is we have a snake. So the value of zebra is 6 plus the value of snake is 3. It means 9. This is equals to tiger. The value of tiger is 4. So, agar humne 9 ko equals rakhna hai 9 ke. Theek hai? Yahan par left side pe humare paas zebra hai, whose giraffe hai, whose value is
6 and a snake whose value is 3. So as a total we have 9. लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास दो एनिमल्स का टोटल 9 है, तो वो कहते हैं कि राइट हैंड साइड पे भी 9 ही आपने बनाना है। टाइगर की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 4 है, तो 4 के अंदर हम क्या ऐड करेंगे कि हमारे पास 9 आ जाए। हम 4 के अंदर वी विल ऐड 5 इन ऑर्डर टू गेट 9। तो 5 हमारे पास किसका नंबर है? एलिफेंट का। सो वी विल राइट एलिफेंट इन दिस स्पेस, राइट? आई होप दिस इज clear to you. This puzzle is clear to you. First you have to number the animals and then you will solve all these puzzles. Next our topic is the concept of double and half. In questions mein hum ek keyword use karenge and that word is inverse. What is an inverse? The opposite of something, reversing or undoing it. In simple words, inverse को हम कहते हैं किसी भी चीज का opposite, right? किसी भी चीज का opposite जो है that is called its inverse. Taking out, take out your book 3 page 14. Page 14. Take out your page 14. You have the question, write the inverse of the following. Write the inverse of the following. पहला आपके पास question है, what is double 50? आपने इसकी inverse लिखनी है, ठीक है? As I have told you, the inverse means opposite of something. ठीक है? अगर आपने double की बात की है, the inverse of double is half. I give you an example, like if you have 20 rupees and if your sister is having 10 rupees, तो आप कह सकते हैं कि मेरे पास 20 rupees और आपकी sister के पास 10 rupees हैं, ठीक है? तो आपकी sister कह सकती हैं कि आपके पास उनसे double amount है, और आप ये कह सकते हैं कि आपकी sister के पास आपसे half amount है, ठीक है? तो जो डबल और हाफ एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ठीक है? प्लीज स्टूडेंट्स डोंट राइट ऑन द स्क्रीन। ओके, सो 50 का डबल 100 होगा, इसी तरह 100 का हाफ 50 होगा, ठीक है? तो आपने इसकी लिखनी है इनवर्स स्टेटमेंट। व्हाट इज डबल 50? डबल 50 को आप अगर ऑपोजिट वे में लिखोगे तो आप लिखोगे व्हाट इज हाफ ऑफ 100, ठीक है? आपने इनवर्स दो चीजों का करना है फॉर योर सिंपलिसिटी। आपने देखना है जहां पर डबल होगा उसके आंसर में आप हाफ लिखोगे बिकॉज यू आर राइटिंग द इनवर्स स्टेटमेंट्स, और जहां पर 50 है आप उसको 100 कर रहे हो, ठीक है? डबल को आप हाफ कर रहे हो, हाफ को आप डबल कर रहे हो। उसके बाद आपके पास है व्हाट इज डबल 75, तो इसको आप ऑपोजिट वे में कैसे लिखोगे? व्हाट इज हाफ ऑफ 150, ठीक है? डबल 75, जब 75 को आप डबल करते हैं आप खुद सोचे क्या आंसर आता है, 150 आता है ना? तो आपने इसी स्टेटमेंट को जब इनवर्स लिखना है तो हाफ करके आप कैसे लिखोगे? व्हाट इज हाफ ऑफ 150। देन यू हैव थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज हाफ ऑफ 50? यू नो, आप अपने जहन में इसका टोटल ला सकते हैं कि हाफ ऑफ 50 क्या होगा, व्हाट इज हाफ ऑफ 50, लेकिन आपने डबल स्टेटमेंट आपने इनवर्स स्टेटमेंट लिखनी है, तो हाफ का इनवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा? डबल, और 50 को जब आप डबल करोगे तो क्या आ जाएगा? 100। सिमिलरली व्हाट इज हाफ ऑफ 500? तो जब आप इसकी इनवर्स स्टेटमेंट लिखोगे तो हाफ की इनवर्स स्टेटमेंट किसमें चेंज हो जाएगी? डबल में, ठीक है? और जिस तरह 500 को आप किसमें डबल करोगे? 1000 में, ठीक है? तो आपने इसमें आंसर्स नहीं लिखने, व्हाट इज डबल 50 को आपने आंसर में 100 नहीं लिख देना, आपने इनवर्स स्टेटमेंट लिखनी है इसकी, ठीक है? कि आप डबल 50 को और किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो। एज आई गेव यू एन एग्जाम्पल, लाइक इफ यू आर टू सिस्टर्स, वन इज हैविंग 10 रुपीज, द अदर वन इज हैविंग 20 रुपीज,
The one who has 10 rupees, she can say that my sister has an amount double than me. Okay, double than my amount. And you can say that my sister has half amount than my amount. ठीक है, तो इस तरह से हम 20 और 10 जिस तरह से एक दूसरे के डबल और हाफ है, इसी तरह इन स्टेटमेंट्स को हमने डबल और हाफ में की स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करके लिखना है. ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. नाउ यू कैन अनम्यूट योर माइक्स एंड आस्क योर क्वेश्चंस.